friends, good morning. Welcome to my channel. Today in this English class, we will read chapter Birbal's Wit of your English fairy book. So students, this is last chapter, a play in your book. Now, there is one warm-up exercise. Let's read it. What happens when a helper is cleverer than his master? Read this picture story to find out. क्या होता है जब एक हेल्पर अपने मास्टर से ज्यादा चालाक होता है, ज्यादा बुद्धिमान होता है? इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। वंस अ फुलिश मास्टर कॉट हिज हेल्पर स्टीलिंग अ सैक ऑफ। एक बार एक मूर्ख मालिक अपने हेल्पर को चावल की बोरी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। आई हैड 32 सैक्स हियर। यहाँ पर मेरे पास 32 बोरियां थी। How many times have you taken one from the 32? तुमने 32 में से कितनी बार एक बोरी उठाई है? Please tell me the truth. मुझे सच्चाई बताओ। Only once, sir. The second time there were only 31 sacks. I have taken only once from 32. जब 32 बोरियां थी तब मैंने केवल एक ली है। उसके बाद 31 sacks थी। Means from 32 he has taken one. So when one he has taken, so how many left? 31. So next time there were 31 only. Now the master didn't understand what the helper was saying, so he forgave him. Master ko samajh pe nahi aaya ki helper kya keh raha hai, aur usne usse maaf kar diya ya chhod diya. Now let's read the chapter Birbal's Wit. Birbal is famous for his intelligence, for his presence of mind. So this is also one example of Birbal's intelligence, Birbal's wit, Birbal ki buddhimani. If a person can take a joke that is on him without getting upset, he is supposed to have a great sense of humor. यदि कोई अपने ऊपर किए गए जोक पर यानी मजाक को एंजॉय करता है, उदास नहीं होता, अपसेट नहीं होता, तो वो वास्तव में मजाकिया व्यक्ति है, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। अकबर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अकबर के पास ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था और इसीलिए ही डिड नॉट माइंड इवन इफ समवन मेड अ जोक अबाउट हिम। इसलिए यदि कोई उन पर जोक बनाता था तो उन्हें बुरा नहीं लगता था। Enjoy reading the play and then enact it. Now your chapter says that enjoy this play and then enact it. Enact means इसे acting करके देखो, इस नाटक को. Now as this is play, so there are characters. So let's know about the characters first. First is Emperor Akbar. बादशाह अकबर है इसमें, बीरबल है, राजा मानसिंह है, द क्वीन एंड अदर मिनिस्टर और दूसरे मंत्री हैं। तो एज इट इज अ प्ले सो देर आर सीन्स इन इट, सो लेट्स रीड फर्स्ट सीन। पहला सीन है द पैलेस गार्डन, महल के बगीचे का दृश्य है ये। अकबर एंड सम ऑफ हिज कोर्टियर्स आर लुकिंग एट द रोजेस। अकबर और उनके कुछ मंत्री गुलाब की तरफ देख रहे हैं। अकबर, वेयर इज बीरबल? बीरबल कहाँ है? I have not seen him since this morning. मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। First minister, we have not seen him either. बादशाह, हमने भी नहीं देखा है बादशाह। A messenger said he had gone out very busy counting crows and he smiles. Messenger यानी संदेशवाहक, ये वो समय था जब टेलीफोन या पत्र नहीं थे, लोग संदेशवाहक का इस्तेमाल करते थे संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या वहां से मंगाने के लिए। तो संदेशवाहक कहता है कि वो सुबह से बाहर है और कौवे गिनने में व्यस्त हैं और साथ में मुस्कुराता है। अकबर ऑल्सो स्माइलिंग, अकबर भी मुस्कुराते हैं। वेल सो ही हैज टेकन द चैलेंज सीरियसली, इसका मतलब उन्होंने इस चुनौती को बहुत सीरियसली ले लिया है। डू नन ऑफ यू विश टू कम्पीट फॉर द प्राइज, क्या तुम में से किसी को इनाम लेने के लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है? सेकंड मिनिस्टर, वी आर बीटन माय लॉर्ड, हम हार गए माय लॉर्ड। यू हैव सेट एन इम्पॉसिबल टास्क, आपने एक ऐसा टास्क निर्धारित किया है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जो इम्पॉसिबल है, जो संभव ही नहीं है। वी ट्राइड एंड गेव अप, हमने कोशिश की लेकिन फिर हमने छोड़ दिया। राजा मानसिंह, डिड यू रियली एक्सपेक्ट
राजा मानसिंह क्या कहते हैं कि क्या आप रियली किसी उत्तर की अपेक्षा करते हैं, क्या आप वास्तव में किसी उत्तर की अपेक्षा करते हैं या फिर ये एक मजाक था। अकबर, मानसिंह वेट एंड वॉच, मानसिंह देखो और इंतजार करो। द डेडलाइन इज 7 o'clock, डेडलाइन मीन्स अंतिम समय 7 बजे का है। देयर इज एटलीस्ट एन आवर लेफ्ट, अभी कम से कम 1 घंटा बचा है। 3000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बैग ऑफ प्रेशियस ज्वेल्स आर नॉट टू बी स्नीज्ड एट। 3000 गोल्ड कॉइन्स, 3000 सोने के सिक्के और एक बैग भर के कीमती जवाहरात, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कैपिटल आर आउट काउंटिंग क्रोज, मुझे विश्वास है कि पूरी राजधानी में हजारों लोग बाहर कौओं को गिन रहे होंगे। ट्राइंग टू हाइड हिज लाफ्टर, अपने हंसी को वो छुपाते हुए कहते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद। अकबर री एंटरिंग द गार्डन, अकबर फिर से बगीचे में प्रवेश करते हैं। इट्स टाइम, हाउ मेनी वॉन्ट टू विन द प्राइज, समय हो गया है, कितने लोग प्राइज यानी इनाम पाने के इच्छुक हैं। ओपन द गेट्स एंड लेट्स सी हाउ मेनी हैव देयर आंसर्स रेडी, गेट को खोल दो, द्वार को खोल दो और चलो देखते हैं कितने लोग अपने उत्तर के साथ तैयार हैं। फर्स्ट मिनिस्टर, पहला मंत्री कहता है, देयर इज नोबडी आउटसाइड द गेट्स माय लॉर्ड, गेट के बाहर कोई नहीं है माय लॉर्ड। अकबर, नोबडी, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज टेकन अप द चैलेंज, आई एम डिसअपॉइंटेड, कोई नहीं, एक भी व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूं। दूसरा मंत्री, ओ हूज दिस हरी थ्रू द गेट्स, वाई इट्स बीरबल, और दूसरा मंत्री क्या कहता है, ओ ये कौन है जो गेट से जल्दी जल्दी आ रहा है, क्यों जल्दी जल्दी आ रहा है, ओ ये तो बीरबल है। अकबर, हा हा हा, डिलाइटेड, वेलकम बीरबल, स्माइलिंग, अकबर बीरबल को देखकर खुश हो जाते हैं और हंसते हैं, हा हा हा, वेलकम बीरबल, तुम्हारा स्वागत है, आई गेस यू टू हैव नो आंसर, मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं होगा। वॉज द प्राइस टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू, क्या तुम्हें उकसाने के लिए ये इनाम बहुत छोटा था। बीरबल, माय लॉर्ड, अ चैलेंज इज अ चैलेंज, माय लॉर्ड, चुनौती तो चुनौती होती है, द अमाउंट ऑफ द प्राइस डज नॉट मैटर, इनाम की कीमत ज्यादा माने नहीं रखती है। एंड आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास बिल्कुल निश्चित उत्तर है। एट 6 o'clock टूडे देर वर एग्जैक्टली 21,412 क्रोज इन द कैपिटल विद अ फ्लरिश, खिलखिलाते हुए बीरबल क्या कहते हैं, आज शाम 6 बजे 21,412 कौवे थे हमारी राजधानी में। अकबर स्टंड एंड नॉट रियली बिलीविंग हिम, अकबर हैरान हो जाते हैं लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। शैल वी चेक, क्या हम चेक करें। बीरबल सकेली, बिल्कुल क्यों नहीं माय लॉर्ड, प्रिटेंडिंग टू बी वेरी सीरियस, और बहुत सीरियस होने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स सम क्रोस मे हैव लेफ्ट द सिटी टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन, क्यों नहीं, कुछ कौवे हो सकता है कि वो किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए हों। बट देन इट इज ऑल्सो लाइकली सम अदर्स मे हैव फ्लोन इन फॉर द वीकेंड, और ये भी हो सकता है कि कुछ दूसरे शहर से यहाँ पर वीकेंड यानी सप्ताह अंत मनाने आ गए हों। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। हाउएवर दैट एट द लास्ट काउंट एट 6 o'clock देयर वर एग्जैक्टली 21,412 क्रोज इन द कैपिटल, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि शाम को 6 बजे जब मैंने आखिरी बार गिना था तो 21,412 क्रोज थे हमारे राजधानी में। अकबर लाफिंग, हंसते हुए, बीरबल यू आर द लाइफ ऑफ दिस कोर्ट, ब्रिंग द प्राइज, बीरबल तुम इस कोर्ट की जान हो, तुम इस दरबार की जान हो, इनाम लाया जाए, ऐसा अकबर कहते हैं। नाउ सीन टू, ये दूसरा दृश्य है, अ रूम इन द पैलेस,
महल में एक कमरा है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद। अकबर एंड द क्वीन आर ईटिंग मैंगोज, अकबर और उनकी महारानी आम खा रहे हैं। बीरबल, टू अदर मिनिस्टर्स एंड थ्री और फोर सर्वेंट्स आर ऑल्सो इन द रूम। बीरबल है वहां पर, दो मंत्री हैं और तीन या चार नौकर हैं वहां पर जो उस रूम में बैठे हैं। बीरबल इज सिटिंग क्लोजर टू अकबर, बीरबल अकबर के सबसे पास बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं। अकबर, बीरबल विल यू नॉट जॉइन अस, बीरबल क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे। द मैंगोज आर रियली स्वीट, आम वास्तव में बहुत मीठे हैं। बीरबल, माय लॉर्ड दे आर फ्रॉम लखनऊ, स्पेशली सेंट फॉर यू। माय लॉर्ड, ये लखनऊ से स्पेशली आपके लिए भेजे गए हैं। आई फाइंड प्लेजर इन सीइंग यू एंजॉय देम, और आपको उन्हें खाते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। अकबर, एज यूजुअल यू नो हाउ टू टर्न अ रिफ्यूजल इनटू अ कॉम्प्लीमेंट। अकबर क्या कहते हैं, हमेशा की तरह तुम्हें पता है मना करने को भी तुम तारीफ के शब्दों में व्यक्त करते हो। प्लेफुली अकबर स्क्रैप्स ऑल द मैंगो पील्स एंड सीड्स फ्रॉम हिज प्लेट ऑनटू द क्वींस व्हाइल शी इजंट लुकिंग। और मजाक में अकबर क्या करते हैं, अपनी प्लेट से सारे आम के छिलके और बीज निकाल करके महारानी की प्लेट में रख देते हैं जब वो वहां नहीं देख रही थी। अकबर, बेगम इट सीम्स दैट यू वर स्टार्विंग फॉर मैंगोज, पॉइंटिंग टू हर प्लेट। लुक्स लाइक यू हैव ईटन क्वाइट अ फ्यू, व्हाट डू यू से बीबल। नाउ अकबर क्या कहते हैं, बेगम ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लंबे समय से आम के लिए भूखी थी। उनकी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बीरबल तुम्हारा क्या ख्याल है। और महारानी को कहते हैं कि तुमने काफी आम खा लिए। द क्वीन स्टार्टल्ड एट सीइंग द प्लेट हीव्ड विद मैंगो पील्स एंड सीड्स, अपनी प्लेट की तरफ देखती है जिसमें आम के छिलकों और बीज का ढेर लगा हुआ है और बहुत हैरान हो जाती है। स्टार्टल्ड मीन्स वेरी सरप्राइज, बहुत हैरान हो जाती है। ओ बीरबल, बादशाह आई थिंक इट वॉज यू हु वॉज। नाउ बीरबल क्या कहते हैं, बादशाह आई थिंक इट वॉज यू हु वॉज स्टार्विंग फॉर मैंगोज। और बीरबल अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए क्या कहते हैं कि अकबर बादशाह ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से आम के लिए भूखे थे। वाइल द बेगम साहिबा एंजॉयड द पल्प एंड द जूस, so you have swallowed the peels and the seeds as well। जबकि बेगम साहिबा ने तो केवल आम का पल्प और जूस ही खाया है, यानी आम का रस और गूदा ही खाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने तो छिलके और गुठलियां भी निगल लिए। अकबर laughing at बीरबल's clever answers as usual। और अकबर बीरबल के उस चतुर उत्तर के लिए, चतुराई से दिए गए उत्तर के लिए हमेशा की तरह हंसते हैं। फॉर योर विट बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धि के लिए बीरबल, आई विल सेंड यू अ बास्केट फुल ऑफ लखनवी मैंगोज, मैं तुम्हारे लिए लखनवी मैंगोज की, लखनवी आम की एक भरकर टोकरी भेजूंगा। बीरबल बाउज इन ग्रेटिट्यूड, और बीरबल आभार व्यक्त करते हुए सर झुकाते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर विच रिफ्लेक्टेड बीरबल्स विट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स राइट हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स दीज आर फ्यू हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स रीड देम फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट इज मैसेंजर, कम्पीट, चैलेंज, स्नीज्ड, स्टंड, कॉम्प्लीमेंट, स्टार्विंग, स्वेलोड, स्टार्टल्ड, कोर्टियर्स। नाउ लेट्स राइट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस, दीज आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मीन्स मिनिस्टर्स इन द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं कोर्टियर्स। बादशाह एन उर्दू वर्ड मीनिंग किंग, उर्दू भाषा में राजा को बादशाह कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, तारीफ के शब्द। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स वी आर गोइंग टू डू, सी एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 118। फर्स्ट क्वेश्चन इज
What was Birbal doing since morning? Birbal सुबह से क्या कर रहे थे? Answer is Birbal was counting crows since morning. Birbal सुबह से कौवों को गिन रहे थे. Second question. What was the prize announced for the challenge? चुनौती के लिए क्या इनाम घोषित किया गया था? 3000 gold coins and a bag of precious jewels was the prize announced for the challenge. चुनौती के लिए 3000 सोने के सिक्के और एक बैग भर के कीमती जवाहरात के इनाम की घोषणा की गई थी. क्वेश्चन नंबर 3. Why did Birbal not wish to join Akbar in eating the mangoes? बीरबल ने अकबर को आम खाने के लिए क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्यों उनका साथ नहीं दिया? आंसर इज बीरबल डिड नॉट विश टू ज्वाइन अकबर इन ईटिंग द मैंगोज बिकॉज दोज मैंगोज वर स्पेशली सेंट फ्रॉम लखनऊ फॉर अकबर. बीरबल ने आम को खाने में बादशाह अकबर का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आम बादशाह अकबर के लिए स्पेशली लखनऊ से भेजे गए थे. क्वेश्चन 4 इज हाउ डिड बीरबल चेंज अ रिफ्यूजल टू अ कॉम्प्लीमेंट. बीरबल ने मना करने के तरीके को भी तारीफ में कैसे बदल दिया? बीरबल चेंज्ड अ रिफ्यूजल टू अ कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग दैट ही फाइंड्स प्लेजर इन सीइंग बादशाह अकबर एंजॉयिंग मैंगोज. बीरबल ने ये कहकर मना करने को तारीफ में बदल दिया कि उन्हें बादशाह अकबर को आम खाते हुए देखकर खुशी हो रही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड बीरबल हेल्प बेगम साहिबा विन द बैटल ऑफ विट्स. बुद्धिमानी की लड़ाई को जीतने में बीरबल ने बेगम साहिबा की कैसे सहायता की? आंसर इज बीरबल हेल्प बेगम साहिबा विन द बैटल ऑफ विट्स बाय सेइंग दैट बेगम साहिबा ओनली एंजॉयड द पल्प एंड जूस ऑफ मैंगोज बट बादशाह अकबर हैड स्वेलोड द पील्स एंड सीड्स एज वेल. बीरबल ने ये कहकर बेगम साहिबा की सहायता की कि बेगम साहिबा ने तो केवल आम का गूदा और रस ही पिया है लेकिन बादशाह अकबर ने तो लगता है आम के छिलके और गुठलियां भी निगल ली. सो इन दिस वे ही हेल्प्ड बेगम साहिबा इन द बैटल ऑफ विट. और इस तरह से बीरबल ने बेगम साहिबा की बुद्धि की लड़ाई में सहायता की. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन दिस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द चैप्टर. यू हैव रिटन हार्ड वर्ड्स वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. सो नाउ स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग. इफ यू लाइक इट प्रेस ऑन लाइक बटन. यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. वी विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय. हैव अ गुड डे.